वेलकम टू गेज एकेडमी गाइज। आज हमारा टॉपिक है फजान रूल, फजान का नियम। बहुत सारे बच्चों की क्यूरी थी कि फजान रूल नियम बताइए मैम। तो फजान रूल क्या है? फजान रूल का दूसरा नाम पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिबिलिटी ऑफ द आयंस की पोलराइजिबिलिटी कैसी होती है। अब फजान रूल क्या है कि द पोलराइजेशन और डीफॉर्मेशन ऑफ आयंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स नोन एज फजान रूल। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं वो? जैसे लार्ज चार्ज ऑन द आयन, स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन, लार्ज साइज ऑफ द एनायन, अ कैटायन विद नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैंने ये बनाए हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के लिए है हमारा। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमारा आयनिक बॉन्ड भी हम इसे कहते हैं, जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, प्लस और माइनस चार्जेस बनते हैं। ये हमारा पोलराइज आयन है, जो कैटायन है वो पोलराइज करता है और ये अनायन पोलराइज हो जाता है। पोलराइज कोवेलेंट बॉन्ड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा। ये मैंने ट्रांजिशन बिटवीन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग में दिखाया है। अब ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे सपोज करो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो जो हमारा ये कैटायन है और ये एनायन है, तो एनायन और कैटायन जब इनकी बॉन्डिंग होती है हमारी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के मिड में रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीएल की ज्यादा है, सोडियम की कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से शेप जो है, ऐसी शेप जो है ये डिस्टोर्टेड हो जाती है इस टाइप से। पहले ये ऐसी थी गोल, लेकिन ये ऐसे डिस्टोर्टेड हो जाएगी दोनों की। तो यही हमारा पोलराइजेशन है और इसे ही हम फजान का नियम कहते हैं, फजान रूल। अब हमारे जो चार्ज है कैटायन या एनायन पे, वो ज्यादा होना चाहिए, जैसे Al प्लस 3 प्लस और या फिर Na प्लस। यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस 1 है और यहाँ पर जो है वो प्लस 3 है। तो हमारा कैटायन हो या एनायन हो, हमारा जो चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए। साइज जो कैटायन का है वो छोटा होगा, तो मोर पोलराइज करेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड में। अगर एनायन का साइज हमारा लार्ज है तो वो पोलराइज ज्यादा होगा। अ कैटायन विद नॉन नोबल गैस कॉन्फ्रिगरेशन, जो अगर नॉन नोबल गैस कॉन्फ्रिगरेशन के लिए जो कैटायन है अगर इसके साथ आता है, तो उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर इफेक्ट लग जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है वाटर का, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन जो हमारे पास आयंस हैं उनके बीच में, वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज मोर कोवेलेंट बिटवीन CuO और CuS। CuO और CuS में मोर कोवेलेंट हमारा CuS हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर का साइज बिगर है देन ऑक्सीजन। भाई देखो, Cu यहाँ पर भी Cu2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी Cu2 प्लस है, तो ये तो सेम हो गए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 माइनस है, ये भी 2 माइनस है, ये क्या है ऑक्सीजन 2 माइनस, ये भी 2 माइनस है, दोनों में सेम दिख रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जो दोनों एनायन है इसमें हम साइज देख लेंगे। यहाँ से एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज, तो लार्ज साइज किसका है? सीयू है, सल्फर का है, इसीलिए ये मोर कोवेलेंट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सीयूओ। अगर LiCl और इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस वन, यहाँ पर क्या है माइनस वन, यहाँ पर प्लस वन, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर भी जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम आ गई, यहाँ पे भी प्लस वन, यहाँ पे भी प्लस वन, चार्ज कैटायन पे हमारा सेम आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे ClCl इक्वल है, यहाँ पे देखेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पास कैटायन है, कैटायन का देख लो, कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल, तो स्मॉल होगा तो हमारा इसका LuCl मोर कोवेलेंट हो जाएगा देन NaCl। नेक्स्ट में देख लेते हैं, हम इसमें किसी में भी चेक कर सकते हैं। NaCl यहाँ पर क्या है प्लस वन, यहाँ पे क्या है माइनस वन, यहाँ पे क्या है प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन, Cl दोनों में सेम हो गया। अब देखो जो हमारा कैटायन है दोनों में क्या है, दोनों में प्लस चार्ज है, लेकिन जो Ag है सिल्वर है उसमें क्या लग रहा है? कैटायन विद नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Ag का अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 47 प्लस, तो ये आ जाएगा 18 और इसमें हम Na का करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28,
Na प्लस का करेंगे, दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ्यूरेशन है, लेकिन ये क्या है कैटायन विद नॉन नोबल गैस कॉन्फ्यूरेशन, यहाँ पे क्या है डी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें स्क्रीन न्यूक्लियर इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है हमारा मोर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम AlCl3 और AlF3 में देखेंगे, तो Al में यहाँ पे प्लस थ्री हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे प्लस थ्री और यहाँ पे माइनस थ्री, क्योंकि F कितने हैं भाई क्लोरीन पे कितना होता है माइनस वन, तो तीन क्लोरीन है तो तीन माइनस हो जाएंगे, सेम तीन फ्लोरीन है तीन माइनस हो जाएंगे। अब Al में इसमें दोनों में सेम चार्ज है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। अब हम एनायन चार्ज कर रहे हैं, हमारे पास ClNIN है और फ्लोरीन एनायन है, तो एनायन के लिए हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा एनायन लार्ज साइज देख लेंगे, लार्ज साइज किसका है हमारा क्लोरीन का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोर कोवेलेंट देन AlF3। अब हम लास्ट देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस टू है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर है हमारी प्लस फोर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये Cl तो सेम ही हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी Cl में फोर है, तो ये हमारा मोर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। फजान रूल सो सिंपल, बहुत आसान है। थैंक यू बच्चों, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल।